विधायक महोदय, आपके द्वारा ये जो 5 वर्षों से पदयात्रा भैरम बाबा की ग्रामीणों के साथ मिलकर की जा रही है, तो आप हमारे वेब मीडिया के माध्यम से, एशिया न्यूज़ इंडिया के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश देना चाहोगे? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और इस पदयात्रा और जो भैरम बाबा के प्रति जो आस्था रखते सभी पदयात्रियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि पुरानी परंपराओं के अनुसार मान्यता है, इस क्षेत्र के सभी किसान मजदूर सभी लोग यहाँ पर भैरम बाबा, गणेश भगवान सभी इसके प्रति इनका सभी का आस्था है और मैं लगातार सभी पदयात्रियों के सहयोग से ये 5वां वर्ष है हमारा और मैं सभी क्षेत्रवासियों की ओर से मैं इनकी शुभकामना करता हूँ। जो हमारे भैरम बाबा के प्रति सबकी आस्था है, इनको भरा पूरा धनदान से सुख समृद्धि दे और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और हमेशा इनके प्रति बाबा का आशीर्वाद रहे, हमेशा सुख शांति बनाए रहे। और पुनः मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी किसान मजदूर भाइयों के लिए मैं बाबा से मनोकामना करता हूँ कि यह मेरा क्षेत्र हरा भरा रहे और आर्थिक विकास में अच्छा विकास की ओर आगे बढ़े और निरंतर बाबा का आशीर्वाद है और रहेगा भी। मैं इस क्षेत्र को आर्थिक विकास को और चहुमुखी विकास करने का पूरा प्रयास करूँगा।